हेलो गाइस, राधे राधे। यहाँ पे मैंने 8 नंबर के कान्हा जी लिए हैं और 6 नंबर के कान्हा जी लिए हैं। आज मैं ड्रेस एक ही है, लेकिन मैं दोनों कान्हा जी को पहनाकर आपको बताऊंगी। नाप भी एक ही है, मैंने बाल गोपाल जी का नाप लेकर पूरे वीडियो में स्टेप बाय बताया है। बिना बुकरम बिना अस्तर ये ड्रेस बनाया है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने ड्रेस में सीपी सितारा की लेस का यूज़ किया है और बहुत ही इजी तरीके से पूरे वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर के कान्हा जी लिए है, तो ये ड्रेस हम 5, 6 और 7 को आसानी से पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है गाइस। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा हाफ बड़ा है तो मैंने इस तरह से मोड़ दिया है और पूरा परफेक्ट तरीके से ये ड्रेस बाल गोपाल जी को आ जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है गाइस। सावन का महीना आ गया है और जन्माष्टमी में हम कुछ इस तरह के हैवी पोशाक बाल गोपाल जी को पहनाते हैं। तो देखिए गाइस, परफेक्ट तरीके से कान्हा जी को कितना सुंदर लग रहा है गाइस। अब यही ड्रेस में आपको 8 नंबर के कान्हा जी को पहनाकर बताऊंगी। गाइस, मैंने और भी लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के और ज्वेलरी के वीडियोस बनाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये मैं 8 नंबर के कान्हा जी को पहनाया, तो ये ड्रेस हम 7, 8 और 9 को आसानी से पहना सकते हैं। देखिए, परफेक्ट नाप आ गया है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। आपके सामने ही मैंने 8 नंबर के कान्हा जी को पहना कर बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉटन की लंबी स्ट्रिप ली है, इनके साथ हम इस तरह की लेस का यूज़ करेंगे। इस स्ट्रिप की लंबाई 52 इंचेस है और चौड़ाई इसकी 5 इंचेस से 1 पॉइंट कम है गाइस। जितनी लंबी थी उतनी ही ये स्ट्रिप मैंने ले ली है। इनके साथ हम ये लेस का यूज़ करेंगे, तो लेस को मैंने उल्टा रखा है, सीधा भाग अंदर की तरफ है और मेन पार्ट है स्ट्रिप का वो मैंने सीधी रखी है। तो कुछ इस तरह से हमें सिंगल टीच कर लेना है। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे तो ये कवर सिलाई हो जाएगी। और ये सीपी सितारा का कपड़ा है तो बाल गोपाल जी को चुभे नहीं, इसलिए मैं पूरे ड्रेस में कवर सिलाई करूँगी। अच्छी तरह से हमें मोड़ना है और ऊपर हमें प्रेस स्टिच लगा देना है ताकि हमारा लेस अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे, हल्का सा ही फोल्ड करना है और हमें प्रेस स्टिच लगा देनी है ताकि अच्छी फिनिशिंग आए ड्रेस की। तो देखिए, ये हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम दोनों किनारों पर डबल फोल्ड करके टीच कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे किनारे पे भी टीच करेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों साइड टीच कर ली है और हमारी स्ट्रिप भी तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच के प्लेट्स लेंगे। प्लेट्स को अच्छी तरह से पहले सेट करना है, फिर टीच करना है। प्लेट्स नज़दीक नज़दीक रखने हैं। यहाँ पे मैं 6 नंबर और 8 नंबर को कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाती हूँ, तो यहाँ पे हमें कमर की लंबाई 6 इंच रखनी है ताकि हमारा घेरा एक घूमट दोनों बाल गोपाल जी को आ जाए। तो मेन चीज़ वही है कि हमें कमर की लंबाई बड़ी रखनी है। तो ये ड्रेस हम दोनों को पहना सकते हैं। गाइज, आपको मेरी चैनल पर 0 से 10 तक के लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के और ज्वेलरी के वीडियोस देखने को
मिलेंगे। तो देखिए हमारी प्लेट्स हो गई है, ऊपर जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हो गया है उसको हम कट कर लेंगे। और मैंने कमर यहाँ पे 6 इंच रखी है। अब मैंने एक पार्ट लिया, इसकी लंबाई 8.5 और चौड़ाई इसकी 2 इंच से कुछ इस तरह से मोड़ कर हम किनारे पे इस स्ट्रिप को टीच करके अटैच कर देंगे। इसका हम नेफा बनाएंगे। नेफा बनाने से हम बाल गोपाल जी की कमर को छोटा बड़ा बना सकते हैं। अब हम बीच में ये दोरी डालेंगे। अच्छी तरह से सेट करके हमें दोरी के ऊपर टिच नहीं करनी है। ये दोरी बाज़ार में कम खर्च में मटेरियल्स की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। तो देखिए गाइस पूरा घेरा हमारा बन के रेडी है। कितना बढ़िया लुक आ रहा है गाइस। अब हम चोली बनाएंगे। चोली में कुछ नए तरीके से आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लेस का पार्ट लिया है, ऊपर हम 1/2 इंच इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसका लुक है। अब हम इसको भी कवर सिलाई करेंगे ताकि बाल गोपाल जी को ये कपड़ा चुभे नहीं। और अच्छी तरह से 3 साइड हम टीच करेंगे। तो ये हमारी चोली कवर सिलाई हो जाएगी और कहीं से भी बाल गोपाल जी को चुभेगा नहीं। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और अच्छी तरह से कोने निकाल देंगे ताकि हमारी चोली की फिनिशिंग अच्छी आए, कपड़े को अच्छी तरह से बैठ जाए। इसीलिए हम यहाँ पे टॉप टिच लगा देंगे यानी कि प्रेस टिच। अब नीचे भी इस तरह से मोड़ कर टिच कर लेंगे और पूरा कवर सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी चोली बन गई है। ऊपर की तरफ हम ये दोरी टिच करके अटैच करेंगे। जितनी दोरी की ज़रूरत है उतनी ही हम रखेंगे और एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी चोली बन के रेडी है। आप चाहो तो चोली को अलग से भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे घेरे के साथ ही अटैच कर दूँगी। जब हम बाल गोपाल जी के कपड़े को वॉश करते हैं तो कहीं चोली इधर उधर गुम ना हो जाए, तो साथ में अटैच हुई चोली हमें जल्दी मिल जाती है। तो देखिए गाइस मैंने बाहर की तरफ 2.5 इंच रखा है, ये ज़्यादा नहीं रखना है नहीं तो ड्रेस की फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हम पगड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लेस का यूज़ किया है। लेस की चौड़ाई ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ी काट ली है। अब हम इसको भी इस तरह से रखेंगे और कवर सिलाई कर देंगे। बहुत ही इजी और आसान तरीका है गाइस। तो 3 साइड मैंने टिच की है। एक्स्ट्रा जो अस्तर का कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे और इस स्ट्रिप को भी हम सीधा कर लेंगे गाइस। तो कुछ इस तरह से हमें इसको पलटना है। बहुत ही आसान तरीके से पलट जाती है गाइस, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अब हम टॉप टिच लगा देंगे ताकि पगड़ी की फिनिशिंग अच्छी आए, बेस भी हमारा अच्छा बने गाइस। तो देखिए ये हमारी टॉप टिच हो गई है। अब सिंपल सा हमें इसी तरह से मोड़ना है। अब ध्यान से देखना मैं किस तरह से मोड़ती हूँ और 3 उंगली का नाप ले रही हूँ। नहीं समझ में आए तो आप कान्हा जी के सिर का नाप ले लीजिए और यहाँ पे टिच कर लीजिए। तो देखिए गाइस हमारी प्यारी सी पगड़ी बन के रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। राधे राधे, हरे कृष्णा।